हेलो स्टूडेंट्स, सर्वोदय नमस्कार। आज हम लोग चलेंगे कप्लीमेंट एंगल एंड सप्लीमेंट एंगल। ये कप्लीमेंट एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट एंगल क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये कप्लीमेंट एंगल किसे कहते हैं और सप्लीमेंट एंगल किसे कहते हैं? तो कप्लीमेंट एंगल उसे कहते हैं जो पेयर बनाता हो 90 डिग्री का, उसे ही हम क्या बोलेंगे, कप्लीमेंट एंगल। मतलब कि ए पेयर ऑफ एंगल आर कॉल्ड कप्लीमेंट टू ईच अदर इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। अगर दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, कप्लीमेंट एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर 55 और 35 की बात करें स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 90 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या बनाएगा, कम्प्लीमेंट एंगल बनाएगा। 80 प्लस देन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये कैसा बनाएगा, कम्प्लीमेंट एंगल। उसी प्रकार अगर सप्लीमेंट एंगल की बात करें स्टूडेंट, तो ए पेयर ऑफ एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट एंगल इन ईच अदर इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180। अगर दोनों का ऐड करने पर अगर 180 आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट एंगल बोलेंगे। देखो 70 प्लस 110 कितना हो जाएगा, 180। 60 प्लस 120 180। तो ये क्या बनाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि राइट द कम्प्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग एंगल, कम्प्लीमेंट बताइए। तो 52 तो सम ऑफ कम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो थीटा प्लस 52, देखो एक दे दिया मेरे को, 53 दे दिया है ना, सेकेंड एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, थीटा प्लस 52 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 90 डिग्री। थीटा प्लस 52 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये 52 क्या होगा, इस तरफ जाएगा, तो 90 माइनस 52 कितना हो जाएगा, 38। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 38 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए 57 दिया हुआ स्टूडेंट, तो सम ऑफ द कम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा प्लस 57 कितना होगा, 90। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस 57 कितना होगा, 33 डिग्री। तो सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, सेकेंड एंगल हो जाएगा मेरे पास 33। कितना हो जाएगा, 33। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। उसी प्रकार एक क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर राइट द सप्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग, तो सप्लीमेंट क्या होगा, एक दे दिया 50, द सम ऑफ द सप्लीमेंट कितना होगा, 180। तो 50 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 50 मतलब 130। उसी प्रकार हमारे पास 112 स्टूडेंट, सम ऑफ सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180, तो 112 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, तो 180 माइनस 112 कितना होगा, 68। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। उसी प्रकार यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द एंगल आर कम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ देखिए इन दोनों का सम क्या क्या हो रहा है, 90 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इन दोनों का सम 90 हो रहा है, यस। इन दोनों का सम 90 हो रहा है, यस। इन दोनों का सम 90 नहीं हो रहा है, तो बी और सी क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसी प्रकार बीच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द सप्लीमेंट, तो अगर 145 प्लस 35 देखा जाए तो ये 180 हो रहा है, ये 180 नहीं है, 180 नहीं है, मगर ये 180 है। ठीक है, 110 प्लस 70 180 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चंस को बनाएंगे और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सभी को सर्वोदय नमस्कार, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, और जो भी कठिनाइयाँ होती है स्टूडेंट, जो भी प्रॉब्लम होता है, एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, देन प्लीज कम इन द लैब क्लासेस वेयर वी सॉल्व वेरी इजिली वे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।